यस स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो एक न्यूमेरिकल रुका था। 11th स्टैंडर्ड में जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोलारिटी, मोलालिटी, मोलार वॉल्यूम, देन वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तो एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर आपको। और एक बार पिछले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल भी लिखा था, यह है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड। ध्यान से रखो, ध्यान से लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ amount of KClO3 needed to supply sufficient oxygen For burning 112 liter of CO gas at NTP. It means with respect to stoichiometric equation form we can solve this example. तो यहाँ पर amount of KClO3 needed to supply sufficient oxygen for burning one, कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन KClO3 से आएगा और KClO3 कितना चाहिए। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ KClO3 needed to supply sufficient oxygen to burn this CO. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज बर्निंग नाउ, कार्बन मोनोऑक्साइड बर्निंग, व्हेन इट बर्न्स रिएक्शन बिकम्स सिंपली सच टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको लिखना है CO प्लस H2 इक्वल टू CO2 गैस, दिस इज द बर्निंग फेनोमेनन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। According to your basic knowledge, it is one mole of CO, half mole of O2 for burning 1 mole of CO, half mole of O2 is required. तो ये वॉल्यूम के बारे में भी आप लिख सकते हो। ये वॉल्यूम के बारे में कैसा लिखोगे आप? 1 mole का मतलब कितना है बेटा? 22.4 liter कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स हाफ मोल O2 मींस वॉल्यूम ऑफ CO एट STP 22.4 लीटर, क्योंकि हमको ये लीटर 112 लीटर ऑफ CO लेना है तो मैंने आपको 22.4 लीटर स्टैंडर्ड हाफ मोल। तो अपने को बर्न कितना करना है? 112 लीटर CO बर्न करने के लिए रिक्वायर कितना ऑक्सीजन चाहिए? सिंपल, पहले ऑक्सीजन रिक्वायर्ड निकालो, फिर बाद में वहां से कैसे आएगा बाद में देखेंगे। तो ये तो सिंपल रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ O2 CO2, ऑलवेज ऑक्सीडेशन और बर्निंग फेनोमेनन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। फिर 1 mole, दिस इज हाफ मोल, दिस CO2, देन 22.4 लीटर ऑफ CO बर्न्स रिक्वायर 1/2 mole ऑफ O2 एंड 112 लीटर ऑफ CO बर्न्स रिक्वायर हाउ मच मोल्स? इट इज द पार्ट, सपोज इट इज x, 22.4 × x 22.4 × x is equal to
112 into 1 by 2, 22.4 into x is equal to 56. X is equal to 56 upon 22.4. X upon 56 upon 22.4. 56 upon 22.4, this value becomes 112, then into 1 by 2 divided by 22.4. it means this divide करने के बाद ये आएगा 2.5 मोल. log 56 22.4, या फिर इन शॉर्ट ये ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर 0.5 का वो हो सकता है, यहाँ पे 22.4 x is equal to 112 into 0.5 multiplication of these 66660 in 66 sorry 56 means 56, then 22.4 x is equal to, then x is equal to 56 divided by 22.4, x is equal to 2.5. same, आप 1.2 की जगह 0.5 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो. 2.5 मोल आ रहा है. तो इतना 2.5 मोल रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए हाउ मच KCLO3 इज रिक्वायर्ड, ये प्रॉब्लम का एक पार्ट हो गया जो सिंपल पार्ट है. मैं 2.5 मोल याद रखूंगा, आपने भी इतना नोट किया होगा. 2.5 मोल याद रखने के बाद मैं जाऊंगा KCLO3 के पास. ये तो यहां से स्टार्ट करूंगा मैं कैलकुलेशन पार्ट. नीचे चले गया तो चले गया. तो KCLO3, और इस KCLO3 ऑन हीटिंग 2KCLO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2. इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ KCLO3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ O2. हमको तो 2.5 मोल चाहिए. हमको तो कितना मोल चाहिए? 2.5 मोल चाहिए. तो अमाउंट चाहिए तो मोल की जगह आपको लिखना पड़ेगा मोलार मास. मोलार मास लिखेंगे अपन. यह 2 × 39 + 35.5 + 16 × 3 कितना है? 48. दिस मच अमाउंट ऑफ KCLO3. दिस मच अमाउंट ऑफ KCLO3 गिव्स, अमाउंट निकालेंगे अभी. यह अमाउंट होगा 245. मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यह आ गया 245. 245 ग्राम KCLO3 गिव्स 3 मोल O2. तो आपको चाहिए 2.5 मोल. 2.5 मोल O2 कैसे आएगा? 2.5 मोल रिक्वायर्ड फॉर दिस फेनोमेनन मैंने अभी निकाला आपको. 112 लीटर CO के लिए 2.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए. ये 2.5 मोल ऑक्सीजन वहां से आएंगे. तो कैसे आएगा? ये 245 × 2.5 / 3. 245 × 2.5 / 3 डिवाइड करना है. 81.6 इंटू 2.5. इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको आएगा 204.
0.004 ग्राम इज आंसर। ये आपको टाइम दिखेगा, मगर टाइम के लिए कंसेप्ट क्लियर है तो समझाने के लिए टाइम लगता है। डायरेक्टली भी आप छोड़ सकते, चुरा सकते हो डायरेक्टली। वन मोल के लिए, वन मोल सी ओ रिक्वायर हाफ मोल ओ टू। वन मोल मीन्स 22.4 लीटर। एक 112 के लिए कितना डायरेक्टली आपने निकाला 2.5। ये टू मोल के सी ओ थ्री के यूज, थ्री मोल ओ टू, 2.5 के लिए कितने मोल, ऐसा भी निकाल सकते हो। टू मोल के सी एल ओ थ्री, टू मोल के सी एल ओ थ्री सप्लाई, थ्री मोल ओ टू, थ्री मोल ओ टू, 2.5 मोल ओटो के लिए कितना मोल आएगा के सी एल ओ थ्री। ये मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 5 by 3 मोल के सी एल ओ थ्री। 5/3 मोल के सी एल ओ थ्री आएगा। 5/3 मोल के सी एल ओ थ्री का मतलब ही हो सकता है, वही हो सकता है 5/3 मोल के सी एल ओ थ्री। मल्टीप्लाई करो 39, 35.5, 48 ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद ये टू लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 5/3 मोल का अमाउंट भी कन्वर्ट कर सकते हो आप मोलार मास से मल्टीप्लाई करके। ये है आज का उस दिन का प्रॉब्लम जो रह गया था। जितने भी नए नए प्रॉब्लम सामने आते जाएंगे उसको हमको चुड़ाना है, चुड़ा के देखना है। मैं जब भी बोलता हूँ जो आपको लगता है कि ये हार्ड है, ये नीट का प्रॉब्लम हमको नहीं आता, उसके लिए छोटे छोटे प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल पार्ट को देखना पड़ेगा। मैंने ये खुद को की शुरू किया है आपके लिए। आपको वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम जो एग्जाम में पूछे गए हैं उस टाइप के प्रॉब्लम आपके सामने जब मैं पढ़ाऊंगा कुछ लिखूंगा थोड़ा आपको हेल्प होगी, इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रॉब्लम रखा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी एग्जाम में आ गया एक बार, अभी ये जो है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन का प्रॉब्लम है। रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको मालूम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे निकालते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टू टाइप्स ऑफ गैसेस व्हेन डिफ्यूज विथ ईच अदर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ये भी आप लिख सकते हो। इस रेट ऑफ डिफ्यूजन जितना ज्यादा, जितना बड़ा गैस का पार्टिकल है उसका मोलार मास ज्यादा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका कम है। वो भागेगा नहीं, टक्कर मारेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, डिफ्यूज नहीं होगा। तो ये भी एक रिलेशन याद रखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ मोलार मास। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो है ना इसका प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया कांस्टेंट होता है, सरफेस एरिया वगैरह कांस्टेंट होता है यहाँ पे। तो ये कांस्टेंट रखते हुए आप ये भी रिलेशन याद रखना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। जितना मोलार मास ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। और एक सिंपल है, R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1। तीन बातें, डेंसिटी रिलेटेड विथ मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, डेंसिटी से रिलेट करोगे आप तो आपको ये तीन रिलेशन याद रखने पड़ेंगे। एक साथ में लिखूंगा, ए गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस दो टाइप के गैस है, इज इक्वल टू, इस हिसाब से मैं ये लिखूंगा √ मोलार मास ऑफ बी, ऊपर आएगा
पोलर मास ऑफ ए, क्योंकि रिवर्स रिलेशन है, इसके हिसाब से मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ गैस ए विथ रिस्पेक्ट टू दैट टाइम ऑफ द गैस। ये भी लिखूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ गैस बी कंसोलिडेटली पूरा डिफ्यूजन का पार्ट सामने आ गया। एक आधा एग्जाम्पल छोड़ाना है ना, तो ये छोटी छोटी बातें आपके सामने चाहिए, आपके नजर में चाहिए। कुछ रेशियोज पूछेंगे, डायरेक्ट प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना, रेशियोज आएंगे। ये वन गैस अदर गैस हैविंग सेम वॉल्यूम डिफ्यूज एंड व्हेन गेट डिफ्यूज टाइम देंगे वो 20 सेकेंड में डिफ्यूज होंगे, 10 सेकेंड में डिफ्यूज होगा। आपके पास टाइम भी है, वॉल्यूम भी है, मोलार मास भी है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये कॉम्बिनेशन के साथ आपके आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्वेश्चन आया है क्वेश्चन एग्जाम में, मैं क्वेश्चन लिखूंगा अभी ये बेसिक पार्ट के बाद में मैं इसको मिटा दूंगा। आप लिख के लीजिए टू गैसेस, क्वेश्चन इज टू गैसेस ए एंड बी हैविंग द सेम वॉल्यूम, हैविंग द सेम वॉल्यूम, ओके वॉल्यूम सेम उनका, हैविंग द सेम वॉल्यूम, क्या क्या है पढ़ते हुए थोड़ा सा स्ट्रेस देखे, डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पार्टीशन, डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पार्टीशन, डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पार्टीशन इन 20 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, इन 20 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होगा ए के लिए 20 सेकेंड, बी गैस के लिए 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मॉलिकुलर मास ऑफ ए इज 49 यूनिट एंड व्हाट इज मॉलिकुलर मास ऑफ बी। नीचे कुछ आंसर्स है, 13 है, 12.25 है, 14 है, बहुत सारे आंसर्स आपके सामने है। तो हमने एग्जाम्पल पढ़ना चाहिए, दो गैसेस है हैविंग द सेम वॉल्यूम, दीज आर टू गैसेस हैविंग द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम इज सेम, देन डिफ्यूजेस थ्रू अ पोरस पार्टीशन, थ्रू अ पोरस पार्टीशन दे गए डिफ्यूजेस, टाइम दिया है आपके पास रिस्पेक्टिवली, तो मॉलिकुलर मास भी दिया है, तो मॉलिकुलर मास, वन ऑफ द मॉलिकुलर मास ऑफ ए इज गिवन, वन ऑफ द मॉलिकुलर मास बी इज नॉट गिवन, तो ये आपके सामने है, ये इक्वेशन आपके सामने है, आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ ए कितना है, वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी, दोनों वॉल्यूम सेम है, टाइम टाइम फॉर ए फर्स्ट टाइम कितना है 20 सेकेंड, टाइम फॉर बी कितना है 10 सेकेंड, ओके। मोलार मास ऑफ बी मालूम नहीं, मोलार मास ऑफ ए 49, तो ये डायरेक्टली आप आराम से वैल्यू पुट अप करो, ये तो प्रॉब्लम अपने आप आएगा। रूट ऑफ एमबी अपॉन एमए, एमबी तो नहीं मालूम, एमए मालूम है, एमए है 49, नॉट एम नॉट बी ए, इट इज एमए 49 यूनिट इज इक्वल टू वी ए वी बी दे गेट कैंसल्ड, वी ए अपॉन टी ए 20, वी बी अपॉन TB 10 सेकेंड, 1 by 20 upon ये VA VB cancel, 1 by 20 upon 1 by 10, 1 by 20 upon 1 by 10
इसका मतलब होगा रूट ऑफ एम बी अपॉन 49 इज इक्वल टू 1/20 10 इट इज 1/2 स्क्वायर करो बोथ साइड में. स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट साइन निकल जाएगा इज इक्वल टू 1/4 फिर ये 449 उधर चले गए. एम बी इज इक्वल टू 49/4 49/4 का मतलब होगा यूनिट. इट इज द आंसर. ये एग्जांपल है दो गैसेस सेम वॉल्यूम डिफ्यूज थ्रू पोरस पार्टीशन. पोरस पार्टीशन से डिफ्यूज करते हैं 20 सेकंड 10 सेकंड रिस्पेक्टिवली. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए 49 यूनिट. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी? तो मैंने आपको लिखा था रेट ऑफ रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ टू गैसेस रेशियो ऑफ मोलर मासेस ऑफ टू गैसेस एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू दीज थ्री डेफिनेशंस. रेट ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम. रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/mol मॉलिक्यूलर मास. मोलर मास प्रेशर टेम्परेचर एरिया ऑफ दैट सरफेस सरफेस एरिया व्हिच इज टू बी कांस्टेंट. दिस इज R1/R2 इज इक्वल टू. कभी कभी डेंसिटी देते हुए भी दे सकते हैं. डेंसिटी डेंसिटी के पास भी आपको मास पर यूनिट वॉल्यूम ये मास अपॉन वॉल्यूम भी हो सकता है. मास अपॉन V2 मास अपॉन V1 मास 1 यहां से मास भी निकाल सकते हो आप. ये ऐसे भी आ सकता है डेंसिटी. ये रेट रेट की जगह पे आपको वी ऑफ फर्स्ट गैस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू दिस टाइम वॉल्यूम ऑफ सेकेंड गैस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये भी आ सकता है. कुछ हार्ड नहीं होता, उसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि अपने आप नहीं आएगा. आपको देखोगे देखोगे पढ़ोगे लिखोगे लॉ कौन सा है कंसेप्ट कौन सी है प्रॉब्लम कौन सा है आपको देखना पड़ेगा और देख देख के अपने आप ही आ जाएगा. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने था और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ना उसका एक छोटा सा प्रॉब्लम. अपने आप सभी मिक्स्ड स्टेट में प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे और आपको वो छुड़ाने पड़ेंगे आपको वो देखने पड़ेंगे. तो ये मिक्स्ड प्रॉब्लम्स नीट के लिए अभी तो टाइमिंग के हिसाब से आपको स्टडी करने के लिए एक दो न्यूमेरिकल्स आपके सामने होंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा. ओके बाय बाय. मायसेल्फ अरुण भांगे परभणी महाराष्ट्र. बहुत सारा आपके सामने रिप्रेजेंट होगा. टेक्निकली मेरा वीडियो स्ट्रांग नहीं होगा बट कंटेंट स्ट्रांग रखने की कोशिश करूंगा. ओके बाय.